जल्दी परिक्रमा करके आ जाओ, जल्दी परिक्रमा करके निर्गुण सब के लेते आ जाओ। आशीर्वाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण आ रहे हैं अभी, बोले जल्दी कासर बजा सब बुला लो, कासर बजा जल्दी जोर से, जो सब लोग सुनाई पड़े, जो लोग रहेंगे वो लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण हरि बोल ब्रह्मचारी Come on.
शुरू कर रहे हैं।
ब्रिज मंडल परिक्रमा का 11वां नहीं 12वां दिवस, और आज हमारा वृंदावन का है 4वां दिन, और हम करेंगे वृंदावन का परिक्रमा जो कि 11 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। आप चलते रहिए हमारे साथ दिलंकर वाणी लाइव। जी अभी भी सुबह हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। इस अंधेरे के में हम आपको लेके जा रहे कहाँ? वृंदावन धाम परिक्रमा। वृंदावन धाम परिक्रमा में आज आखिरी दिन है वृंदावन का। अभी ये परिक्रमा होने के बाद हम फिर लौटेंगे कहाँ? केशव जी गौरी मठ मथुरा। फिर कल 12 नवंबर 2020 से 18 नवंबर 2020 तक दोपहर 3 बजे से शाम को 6:30 बजे तक है भगवत कथा। इस भगवत कथा में शामिल होने के लिए अभी भी रिमाइंडर में डाल दीजिए, और रोज प्रातः 3 बजे से लेकर 6:30 बजे देखते रहिए विद्यालंकर वाणी लाइव। ब्रिज का गली गली में अंधेरा का अंदर से हम जा रहे हैं आगे कहाँ? वृंदावन धाम परिक्रमा। आप देख रहे वृंदावन धाम परिक्रमा विद्यालंकर वाणी का साथ। आज एकादशी है रमा एकादशी। रमा एकादशी में विद्यालंकर वाणी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिन में ज्यादा करके जपा कीजिए, देखते रहिए विद्यालंकर वाणी, कीर्तन कीजिए और अपना जिंदगी को सफल बनाइए। अभी आप लोग है हमारा साथ, हम आगे बढ़ रहे कहाँ? हम जा रहे हैं परिक्रमा धाम परिक्रमा करने। हम आगे लेके जा रहे कैमरा को, आगे हमारा गुरुवर्ग भी है और साथ में शानदार कीर्तन। मैं कैमरा लेके आगे जाता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलते रहे। यमुना जी को दर्शन करना चाहते हैं लेकिन अंधेरा है यहाँ। अभी थोड़ा देर में रोशनी जब आ जाएगा मैं जरूर यमुना जी का दर्शन करूंगा। अभी हमारा परिक्रमा कहाँ पहुंचे है देखिए, ये है इमलीताला मंदिर में सब प्रणाम करते हुए। हाँ यहाँ ये जो महाप्रभु का बैठक है इमलीताला मंदिर, यहाँ पे सबने दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा देर में आप लोग जारी रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, पूरा दिन वृंदावन परिक्रमा। हाँ बहुत सारा भक्त लोग आए हैं, कहाँ से आए? सब मथुरा वासी भी आया है, वृंदावन वासी भी है, द्वारका वासी भी है, पूरा दुनिया से लोग
को आगे जी। आप लोगों को बताना चाहूंगा आज का परिक्रमा का लाइव ऑन ओनली ऑन विद्यालंकर वाणी। महारानी की जय। रवि जी करेंगे प्रणाम और करेंगे आचमन और लेके आएगा मेरा लिए थोड़ा सा पानी। रवि जी बोले जमुना महारानी की जय जय।
अभी हम खड़े हुए हैं केसी घाट वंश बाट द्वादश कनन। हम वही केसी घाट में करा है और केसी घाट से आपको दर्शन दे रहा है विद्यालंकर वाणी लाइव वन का साथ। देखते रहिए, बहुत सारा दर्शन करवाइए क्योंकि आज है वृंदावन का आखिरी परिक्रमा। फिर आज थोड़ा देर में हम पहुंचने वाला है केशव जी गौरी मठ मथुरा में। देखते रहिए विद्यालंकर वाणी के साथ। और आज का आज लाइव टेलीकास्ट केवल ही केवल विद्यालंकर वाणी से ही हो रहा है। बोलो जमुना महारानी की, बोलो जमुना महारानी की, जय हो जमुना महारानी की। जमुना महारानी की जय देते हुए हम जा रहा है केसी घाट को पीछे रखते हुए। कहाँ वृंदावन परिक्रमा आज का आखिरी दिन है। हम कर रहे अप्रोक्सीमेटली 11.5 किलोमीटर का परिक्रमा पैदल। हाँ वॉक वो हैप्पी थे। बोलो राधा रानी की। दौड़ते आगे जा रहे और आप भी आ जाइए हमारे साथ शामिल हो जाइए। Yeah.
से 21 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक गिरधारी गौड़ी अम्मा की गोवर्धन में आए ब्रजमंडल परिक्रमा का आखिरी समारोह। आप लोग अगर टिकट चाहते और काम कर लेना चाहते तो जल्दी आ जाइए। मंदिर, हाँ जगन्नाथ मंदिर तक हम अभी पहुंच चुका है। बहुत ही स्पीड से परिक्रमा हो रहे हैं, भक्तों का मन में बहुत उत्साह है और इस एकादशी का आनंद ये करते रहिए परिक्रमा, हमारा साथ बने रहिए अभी दलन करवाणी में। और आप लोग ये भी बताना चाहूंगा आज के परिक्रमा का लाइव टेलीकास्ट सब दलन करवाणी से ही होगा। गौरंग जय निताई गौरंग
अब देख रहे हैं ना बाबा जी महाराज, ये तो दोनों बाबा जी महाराज है जरूर, बाबा जी महाराज का हाथ का जरूर प्रसाद पाएंगे कब, 20 से लेकर 30 नवंबर, कहां गिरधारी गौड़िया मठ गोवर्धन में है। अगर प्रसाद पाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आ जाए यहाँ, काल से भगवत कथा में कीर्तन करेंगे कौन, हमारा दरीलाल प्रभु जरूर करेंगे 3 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक भगवत कथा 12 से 18 नवम्बर गौड़िया मठ मथुरा। हमारा दादा गुरु जो है ना परम गुरुदेव का पिताजी, बोलो राधा रानी की जय। देख रहे हैं मार्ग में कितना बढ़िया
परिक्रमा का कम से कम 5 किलोमीटर रास्ता पैदल चलाए और एक कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, ये है वॉक फॉर हैप्पीनेस। और अब देख रहे हैं विकलांग करवानी लाइव ऑन एंड टुडे इज द एंड ऑफ वृंदावन परिक्रमा। Fifth day of the parikrama, last day in Vrindavan. We'll be going over to Mathura now, having our Bhagavad Sapta from tomorrow for 7 days. After that, following which we'll be going to Govardhan. And Govardhan will start from 21st to 30th. So we'll cover this starting month like this only, in all small patches, you know. Not like that the earlier ones, whole of the year, whole of the month. So it will be there like this. Okay. Or ha, Gita ka gyan agar acha tarika se aur bahut hi easy tarika se lena chahiye, to YouTube mein jaiye, subscribe kar lijiye kya Gita Pathshala. बहुत सुंदर सुंदर
कपड़ा मिल रहा है। हाँ, आपका घर का जो छोटा मोटा नन्ना सा जो गोपाल जी है उनका लिए शानदार शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं परिक्रमा मार्ग में। ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೈವ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಲಂಕರ್ ವಾಣಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮ ಸಮಾನ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಇದು ವಿದ್ಯಾಲಂಕರ್ ವಾಣಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಯಾರೂ ಫೋನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಮಾಲಾ ಮಾಲಾ
ಅಬೌಟ್ ಭಕ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಬೌಟ್ ಎಕಾದಶಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಜಿ ಟುಡೇ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರಿಕ್ರಮ ವೃಂದಾವನ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೋ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ವಚನ ಕೀರ್ತನ ಕಮಾನ್ ವಿ ಅನುಪಮ್ ಪ್ರಭು ಅನುಪಮ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೋರ್ಟುಗಲೀಸ್ Agora todo mundo está aqui no Parikram de Vrindavan, junto de Guru Vaishnavas. Esse dia é muito auspicioso de Vrindavan, que é cada assim que a gente possa absorver nossa mente nos lugares, nos passatempos e seguir o passo dos Vaishnavas. Arivo! So, Abhi, Ablog, Ablogo, né? Thank you.
चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन परिक्रमा में आए थे तो महाप्रभु यहीं पे बैठे थे एक बट से, तो इसीलिए नाम है इसका दूसरा बट। और इस स्थान का बहुत सारा अलग अलग लीला है, उस लीला कहानी हम जरूर आपको सुनाएंगे उसके लिए। करना पड़ा है, लागे सारे आए हैं। Let's go.
में विलाप करते थे, ये बीए बी राधा का है। जब महापुरुष दक्षिणात्म यानी दक्षिण भारत में गए थे रामानंद से मिले, ये संजोगिनी राधा का भाग में थे। उधर कुछ दिन के बाद जब वृंदावन आए, एक बार वृंदावन आ रहे थे, साथ में बहुत से लोग थे। जब रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी उनका जो मंत्री पद था उसको छोड़ करके रात में मिलने के लिए आए, सनातन गोस्वामी बताया वृंदावन जाई बारे नहे परिपाटी, वृंदावन जाने का तरीका नहीं है, महाप्रभु जा नहीं सके वापिस आए। फिर जब आए आते आकर के जब वृंदावन परिक्रमा किया, उन्हीं के दिखाए हुए पथ पर उनसे पहले श्रीमान नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य प्रभु भी परिक्रमा किया था, उनके दिखाए पथ पर हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। श्रीमान महाप्रभु आकर के यहीं पर कुछ देर के लिए बैठा था, इसलिए हम लोग भी बैठे उनके उन सब की कृपा पाने के लिए और हमारे सब कुछ निर्विघ्न संपन्न होने के लिए। थोड़ी दूर आगे चल करके बहुत सारा पेड़ पौधा है। जब गुरुदेव के साथ हम लोग आते थे तो सड़क फड़क नहीं था, पगडंडी परिक्रमा, उसमें कुछ इलाका भी कुछ पेड़ पौधा है, उसे करीब 100 मीटर पूरा घना पेड़ पौधा यह सब था। इसलिए गुरुदेव कहते थे यही स्थान है जहाँ बाबा जी लोग और सहजिया लोग विश्वनाथ ठाकुर को मारने के लिए षड्यंत्र किया था। तो चक्रवर्ती ठाकुर ये परकीय भाव प्रचार कर रहे थे, ये रूप गोस्वामी के दूसरे अवतार है। दो लोग का रहा न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, न विश्वनाथ ठाकुर न परकीय रस प्रचार होगा। मतलब जीव गोस्वामी का नहीं जानते थे, रूप गोस्वामी के साक्षात डायरेक्ट शिष्य भतीजा नहीं जानते। जीव गोस्वामी लिख दिया स्वेच्छया लिखितम किंचित किंचित लिखितम परेच्छया, मैं अपनी इच्छा से कुछ लिख रहा हूँ कुछ दूसरे के इच्छा से, अर्थात अनधिकारी के लिए वो सकिया बताया और अधिकारी के लिए अपना मूड है पर किया, वही स्थान पर मारने की कोशिश किया था। और थोड़ा आगे चल करके बहुत बद्री था, पेड़ का पेड़ था, जंगल तक काट दिया, अभी एक दो बच्चे हुए हैं। गुरुदेव कहते थे जब जब व्यासदेव ने भागवत का रचना उधर किया दशम स्कंद वृंदावन में आके किया, क्योंकि वृंदावन रसभूमि और दशम स्कंद ये क्या है, श्री कृष्ण के मुख कमल है, ये रसभूमि के सिवाय ये शुष्क जो बद्री स्थान है उसमें हो नहीं सकता है, इसलिए बद्री बंद सब काट के खेत बना दिया, एक या दो अभी बड़े बड़े बेर का पेड़ है। हम लोग कथा बोलने का सुयोग नहीं है बैठने का, इधर से सीधा आनंद धाम में घुसेंगे, ठाकुर को प्रणाम करते हुए निकल जाएंगे। उसके बाद रास्ता में और आगे बढ़ करके ईश्वर से पार करके हमारे एक भक्त है वेणुगोपाल, मठ उनके धाम में उधर जाएंगे, फिर कीर्तन करते फिर मठ में चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग मथुरा जाएंगे, और मैं श्रीधर महाराज को बता दिया परमेश्वरी को भी, कल हमारे एक मथुरा में का नाम डॉक्टर संजय गौड़, उनका फैमिली डॉक्टर है, तो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा के समय एक दिन लोग प्रसाद देते थे सुरभि कुंड के तट पर। इस समय ये सब रूप में नहीं हो रहा है, जो अपने घर में व्यवस्था कर रहे हैं वो लोग, उमादी को भी बताया मैं उनको अनुरोध करूंगा, वो कल भंडीरवन जाने वाले हैं, द्वादशी उधर त्रयोदशी जाए उधर आए तो अच्छा रहेगा, ये उनके ऊपर है, मैं तो उनको कुछ कह नहीं सकता, अनुरोध कर सकता हूँ। जब उमा दीदी की और क्या है वही करके हम लोग मथुरा जाना है, क्योंकि कल से बनवाई भागवत की व्यवस्था रखा है, हम लोग सब मिलके रखा उसमें उधर व्यवस्था करना है और भी कुछ काम है, इसलिए मठ में पहुंच करके अपने बैग उठाएंगे मथुरा जाएंगे। तो आप लोग सब आएंगे मथुरा में कल 16 तारीख को अन्नकूट, अन्नकूट के दिन सब लोग आएंगे गोवर्धन, हम लोग भी आएंगे मथुरा से, और 18 तारीख को हम लोगों को गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि 18 तारीख को मथुरा में मनाएंगे। फिर 19 तारीख को श्री स्वामी महाराज के वैसे एक सब मनाएंगे, मैं भूल गया, और क्या है 19 तारीख को श्री भक्ति श्री सिद्धांत महाराज जी की तिथि है, जो हम परिक्रमा करते हुए स्पॉट दिखाएंगे आप लोगों को, उस स्थान पर प्रोग्राम होगा। तो 18 तारीख को श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज तीनों का तिरुभाव तिथि है, आप सबको सराहना है। गौर
बाल जमुना दुर्धर बालक हो गई। वहां पर जब खिलाए बोले कैसे जमुना पार करेंगे, बोले बोल दुर्ग
बाद अगर मुझे खाए नहीं तो पार करा देना। बोले भैया गुरु जैसे चला भी कैसे, कृष्णा हमारे बगैर रह ही नहीं सकते। देखते देखते लड्डू कचौड़ी माफ हुआ सब कैसे हम खा गए, अब कहते हमने खाया नहीं। तो बोले भैया इसका मतलब क्या है? बोले जो दुर्वासा है कहते भक्त लोग कोई चीज खाते नहीं, हम क्या कहते हैं प्रसाद सेवा करते हैं, हम भोग बुद्धि से नहीं भगवान की सेवा बुद्धि से करते हैं, भोग बुद्धि में नहीं। और जो भगवान ये आत्मा राम और आप काम है सब कुछ में रहते हुए भी वो अलग है, इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत सारे लीला है आस पास में यहाँ पर ठाकुर जी ने किया। बोलो और यही पर श्री मुरारी के पुत्र जगन्नाथ जी का सभी ग्रह यही पर महाप्रभु आकर के यही पर उन्होंने विश्राम किया था। बोले श्री सच्चिदानंद गौ हरि करता कोई छोड़ना नहीं करता, किसको दायित्व दिया गौर गौर जी जा रहे हैं। बोलो 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 ललिता दीदी, ललिता दीदी मेरा प्रणाम कह देना, मेरा प्रणाम कह देना जी। अभी हमारे साथ है कौन? अतुल प्रभु। अतुल प्रभु जरूर मृदंग बजाएगा। अब अतुल प्रभु आप लोगों को कथा सुनाएगा। हाँ। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे बताओ? अभी तो आनंद हम देंगे इसके बाद जी, हम जाएंगे आनंद धाम, आनंद धाम का आनंद लेते रहेंगे हमारा साथ महाराज जी। अभी हमारा सब शामिल है कौन? मथुरा से आए हैं जलंधर वाणी का दर्शकों को दास का प्रणाम। कुछ कहना चाहेंगे हमारे कौन? आज एकादशी के पावन अवसर पर हम सभी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें आप लोग भी जिसके साक्षी हैं, जिसमें आप दर्शन करके सारा पुण्य अर्जित कर रहे हैं, अपनी भक्ति को वर्धमान कर रहे हैं। तो आप, मैं धन्यवाद करता हूँ श्री हमारे अनुपम प्रभु जी का जो आपको लगातार इस परिक्रमा का लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं। भगवान दादा कृष्ण और गुरुदेव उनके ऊपर कृपा वर्षण करें। जय श्री वृंदावन धाम की जय। अन्न नहीं खाना चाहिए।
भगवान पे कलम करवानी। दीदी जरूर बताएगा, ऑस्ट्रेलिया से आया दीदी, जरूर बताएंगे दीदी। एकादशी महत्व, एकादशी क्यों करना चाहिए? इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी, और दिस इज अ वेरी स्पेशल डे। एकादशी ज्यादा नहीं, कृष्णा कृष्ण नहीं नहीं दोस्तों, एकादशी सो दिस डे वी शुड रियली गिव अवर डेडिकेशन इन अवर फुल डिवोशनल फॉर हरि नाम एंड परिक्रमा एंड ऑल द डिवोशनल एक्टिविटीज दैट वी शुड डू, लिसन टू हरि कथा एंड If you want more about Ekadashi, so you can watch on our Ekadashi Mahatma video. We describe by Srila Gurudev, Kripa Bhakti Vedan Madhav Maharaj. So you watch on our video, Ekadashi Mahatma, English and Hindi, live on our page. अरे कृष्ण की अनंत लीला क्या बताऊ क्या नहीं बताऊ, ये तो पहले तो बड़ी बात है। हमने जो परिक्रमा मार्ग में जा रहे हैं ना, दोनों तरफ से हमारा सरकार से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार के लीलाओं के लीला को छवि के द्वारा उन्होंने प्रकाशित किया है। तो अनंत लीला के अनंत प्रकाश है। आप थोड़ा आते आते हमारे साथ जाइए और भगवान की लीला का जो चित्र आप यहाँ पे चित्र पर आप देख सकते हैं। देख रहे जो लाइव देख रहे हैं ना, आई थिंक यू हैव टू फॉलो द एकादशी व्रत। देखिए एकादशी व्रत, सो इफ नॉट फॉलो प्लीज डू एकादशी व्रत। ठीक है, कितना लोग देख रहे हैं? ये 60 चल रहा है। 60 हो गया। अरे मेरा पास क्यों आया नहीं? देन दिया नहीं फोन मेरे पास, तो कैसे आया? क्यों मैंने फोन अनुपम के पास देना पड़ेगा ना। तुम क्या क्या करके रखा? ऑटोमेटिक तो आना चाहिए। देखो ধরলে তো ভালো, সারা জীবন ধরে ধরতে আমি এসেছিল তো আমার কাছে এসেছিল লাইভ, এবার আমি ক্লিক করছি। परिक्रमा करते करते परिक्रमा का आधा रास्ता पूरा कर चुका है। नहीं ये गुड मॉर्निंग वॉक नहीं है, ये है वॉक फॉर हैप्पीनेस एंड वॉक फॉर अनलिमिटेड एंजॉय। ऑडियो का एक्चुअली जितना लाइव है ना हमारा, उसका सारा ऑडियो भी अभी आने वाला है, ओनली MP3 फॉर्मेट। आपको तो सब आता है, आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं भेज दूंगा, आपका नंबर दे दीजिए। अभी जैसे कुमार वाला चला था ना, जनवरी में हमारा IVR नंबर आ रहा है, IVR नंबर में बना रहा हूँ, 1800 ऐसे नंबर आएगा, वो टोल फ्री नंबर है। आप कभी भी उसमें कॉल कीजिए, कभी भी 24 hours कभी भी कॉल कीजिए करके। उसमें क्या होता है, आपको उसमें आपको लैंग्वेज ऑप्शन देगा, हिंदी में सुनने का लिए एक दवाइए, इंग्लिश में दो दवाइए, फिर आएगा श्री भक्ति वेदांत महाराज जी का कथा सुनने के लिए दो दवाइए, महाराज जी का कथा
का सुनने का लिए तीन दवाई है, परम गुरुदेव का लिए चार दवाई है। ये तो अच्छा है। फिर उसके बाद आपको उसमें और एक ऑप्शन आएगा कि कौन सा टॉपिक में सुनना होगा। मेरे को आपसे बहुत सीखना है, अभी जो ग्रह भागवतम पे क्लासेस हुई ना, तो मेरे को ना बहुत आई लव भागवतम। मेरा हृदय मेरा तो सबसे वही है। मेरे को ना तो एक फाइल जो उसमें रखना है, क्योंकि फेसबुक में क्या होता है बहुत पीछे जाना पड़ता है ढूंढने के लिए और याद भी नहीं रहता किसी को। इसलिए बैकअप रखना जरूरी है। महाराज जी का जितना कथा है ना गद्दन महाराज जी का, मेरे पास कम से कम उनका 350 GB का डेटा है। वो भी वो सब मैं डाल रहा हूँ उसमें। ये मैंने पहले बताया था अनादिपो को, बट वो
का मतलब लाइन लंबा होते जा रहा है। उपवास हम इसलिए रख रहे हैं, व्रत उपवास दो अलग चीज है। हमने ये व्रत ले लिया है कि इन 11 को भगवान
वैष्णवों की सेवा में लगाएंगे। और उपवास हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसा गुरु वैष्णव ने सुना है उस दिन क्या होता है, अन्न के अंदर जो पाप है समस्त प्रकार के पाप वो सब उसमें चले गए क्योंकि हमको भगवान से ही ठाकुर जी से ही वरदान मिला तो उसमें चले गए। तो अगर हम इस दिन ये खाएंगे अन्न आदि कुछ भी खाएंगे तो ये बिना करे हुए ही हम सारे पाप कर जाएंगे। और पापों की वजह से तो हम क्या है संसार में कष्ट आदि भोग रहे हैं, ठीक है। भजन में जो ज़्यादा हमारी रुकावटें आती हैं वो भी किससे आती हैं, इन पापों की वजह से आती हैं। तो बस एकादशी का फल कर, एकादशी व्रत करो, क्या होगा सारे पाप कट जाएंगे, नए होंगे नहीं, पुराने सारे कटते रहेंगे और दूसरी तरफ से हमारा भजन साधन अच्छे से चलेगा। तो होगा क्या, एकादशी तिथि जो है मुख्य रूप से भगवान की ही शक्ति है, व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। और क्या करेगा ये कृष्ण प्राप्ति आपको करा देगा, बस आप एक बार शुरू कीजिए। गुरु वैष्णवों के आनुगत्य में व्रत का पालन कीजिए, हरिनाम कीर्तन करिए, हरिनाम जाप कीजिए रोज। और तीसरी चीज क्या करनी है, जो भी पाना है जो भी खाना है वो ठाकुर जी को निवेदित करके उनको भोग लगा के पाइए। ये तीन चीजें शुरू कीजिए, आपकी भक्ति शुरू जी। अगर एकादशी महात्म्य के बारे में और विशद रूप में जानना है तो हमारा पेज में दिया हुआ है एकादशी महात्म्य स्पेशल वीडियो जो कि श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत रमेश बाबा बनाया है। वो एकादशी महात्म व्रत का क्या विधि है संपूर्ण रूप से एक वीडियो बनाया गया है हमारा पेज में है। आप परिक्रमा करते करते अभी हम आ चुका है आटाला चुंगी पर। हाँ यही है आटाला चुंगी। आटाला चुंगी क्यों नाम है, यहाँ पे कृष्ण जी का जो अवतार है उसका नाम है अटल बिहारी। अटल बिहारी भगवान यहाँ पे है, अटल है, कल नहीं चलता अटल बिहारी। चाहिए मैं जरूर हमारा माइक्रोफोन को लेकर जाता हूँ प्रभु जी के पास और एक
रहना चाहिए, यही है एकादशी करने का नियम है ना। और कार्तिक माह में जो है बहुत वो है महात्म्य है एकादशी का, तो जो है सभी भक्तजन से निवेदन है कि एकादशी जरूर पालन करें। हरि बोल। अभी आप लोगों ने सुना है विवेक प्रभु का मुंह से एकादशी महत्व, तो नहीं सब हिंदी में नहीं, आज आप लोगों ने ऑलरेडी हमने सुना है छह अलग अलग भाषाओं में एकादशी महत्व, और आप लोग देख रहे हैं विद्या लंकर वाणी का सत्र। कार्तिक परिक्रमा का 11 दिवस और वृंदावन का अगड़ी दिन है, यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, मथुरा गिरिधारी गौड़िया मठ नहीं केशव जी गौड़िया मठ में, क्या करेंगे फिर काल से 12 नवंबर 2020 से लेकर 18 नवंबर 2020 तक क्या होगा, दोपहर 3 बजे भागवत सप्ताह हो, जरूर शामिल होइए, देखते रहिए विद्या लंकर वाणी लाइव ऑन। আজ বাংলা একাদশী পরিক্রমা চলতেছে, পঞ্চবটী পরিক্রমা, আর পঞ্চবটী পরিক্রমায় আমাদের বাঙালি লোক নিয়ে উপাসে বাংলায় হরিকথা হচ্ছে না, ভক্তিবেদান্ত মহারাজ দেহ দেখা চলি পরিক্রমা ও লোকজন মহামাঝে বাংলা থেকে, আর এই মহামারী করুণা ভয় হরে কৃষ্ণ। चलो परम गुरुदेव का कितना बढ़िया कोर्स है, अगर ऐसे भाग आप लोग लेना चाहते हैं और घर में बैठे बैठे, तो विद्या लंकर वाणी का पेज में जाइए और अपना नाम लिखाइए, और 30 दिन का अंदर ऐसे भाग हम आपका घर घर में पहुंचाएंगे। मुझे
কি বাংলায় জানি বলবেন में सबसे एक्सपर्ट जो राधा विनोद बिहारी जी को आप लोग इतना शानदार सिंगर रोल देखते हैं वो फोन करते हैं वो है हमारा प्रभु जी हाँ हमारे साथ आज माधव प्रभु भी है महाराज जी भी है महाराज जी जरूर सुनाएंगे एकादशी महत्व हमने छह अलग अलग भाषाओं में आप लोगों को सुना दिया एकादशी क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए लेकिन महाराज जी भी जरूर सुनाएंगे आज बहुत बहुत स्वागत है और हम ब्रिज मंडल परिक्रमा कार्तिक परिक्रमा का 2020 में आज आखिरी दिन है और हम परिक्रमा करते करते आ चुका है कहाँ आनंद धाम हमारा पूरा परिक्रमा वासी आगे आ चुका है कहाँ आ चुका है आनंद धाम का दर्शन करते हुए आगे हम अंदर जरूर जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को अलग अलग कहानी और सब देखते रहिए आप लोग वाणी का सॉन्ग अभी प्रवेश कर रहे हैं आनंद धाम में बाजार में ये है आनंद धाम यहाँ पे राधा श्याम सुंदर जी है राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन जरूर करवाएंगे आनंद धाम में हम आ रहा है बाबा जी महाराज जरूर आप लोगों को बताएंगे इस आनंद धाम के बारे में आनंद धाम के बारे में थोड़ा बताओ ये कब हो चुके ये तो आज से हुआ आनंद धाम है हमारा এটা 98 হয়েছে প্রতিষ্ঠা 98 আমার একজন ব্যবসায়ী করেছে আলিগড়ের এখানে কোয়ার্টার ফোয়ার্টার সব ব্যবস্থা করছে উনি সব ভক্তদের সাহায্যের জন্য যারা হ্যাঁ ব্রজ ব্রজে বাস করে যাতে ভক্তি ভালোভাবে করা যায় তার জন্য এই আনন্দ ধাম এই আনন্দ ধামে শুধুই আনন্দ পাবে जा रहा है राधा श्याम सुंदर देव हम लोग दर्शन कर रहे हैं राधा श्याम सुंदर देव का दर्शन कर रहा है जो कि आनंद धाम में है और साथ में बिंदा देवी का दर्शन एकादशी दिन में लाइव कर रहा चल रहा है आप लोग लाइव देख रहा है अलंकार वाणी का साथ और अब भी हमारा साथ शामिल है कौन हरि प्रभु की जय Thank you.
পরে চলে যাবো। ডিনারটা নিয়ে আসুন, কত দিন পরে আজও আসতে পারেন, কালও আসতে, কবে আসেন বলুন। अब जल्दी आ रहा हूँ ना, असली वेदांत दूध के लिए दी रहा, अगले साल डबल देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ওটা হচ্ছে গোবিন্দ বাবা আছে না, अभी नहीं नहीं उसको पहले दिन जमा था, उसको बोला था तुम कौन है, कहाँ से आए भाई। हाँ वो है ना, আসাম বলল যে চলো করে যাবে পিছন দিয়ে দেখে চলো, আপনার কৃপা আছে না, আপনার কৃপা আছে। সব করোনার কৃপা, এটা ধরুন বলুন,
जी हरिमणि दीदी, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी एकादशी का जो महत्व है, एकादशी का जो कथा है वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट किया है, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। जी एकादशी इन इंग्लिश। टुडे इज एकादशी ब्लॉग, सो मेनी नेम्स, वैष्णव तिथि, एकादशी तिथि, माधव तिथि, बजीवासव तिथि, सो मेनी नेम्स इट हैज बीन नॉन टू द डिवोटीज, दोज हु आर फॉलोअर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, दे हैव टू फॉलो दिस एकादशी व्रत। इवन एवरी वन इन एनी रेस्पेक्ट, whether they are old or young or small girl or boy, anybody, everyone should follow the Ekadashi Vrat. On the Ekadashi Vrat, you have to chant Harinam so much more than any other days, and also we have to you have to take no grains, five types of grains, that is prohibited, that is pedis, wheat, mustard seed, your bhutta and mustard seed. So these five grains we have to use. Other type, some sabji you can take, or Nirjala Vrat is best way for performing Ekadashi Vrat. If cannot do, then you can take the fruit. If not fruit, then you can take the Anupalpo. So as this is the Niyam Seva Vrat is going on, we are in Vrajamanda, we are in Vrajamanda Parikrama, and today also we are doing Vrindavan Dham Parikrama. So this is the most crucial option for the devotees to follow the Ekadashi Vrat. And whole day happening on Harinam Sankirtan, if you continue whole day not sleeping, then you will get the best result, so that in one life you can have the Krishna prem and go back to Godhead. Bole Ekadashi Vrat ki jai, Rajamandal Parikrama ki jai, Gopyamanande Hari Hari Bol. Shripad परिक्रमा करते करते हम कहाँ पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं बहुत ही नजदीक है इस्कॉन मंदिर के, जो भी कृष्ण बलराम मंदिर है और देश का बहुत मशहूर है कृष्ण बलराम मंदिर। और कृष्ण बलराम मंदिर का बहुत ही नजदीक हम पहुंचे हैं। कृष्ण बलराम मंदिर का बाहर से हमारे जहाँ पे है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का समाधि मंदिर और है कृष्ण बलराम मंदिर। जी आप लोगों को हमने
भजन कुटीर। हाँ, ये है वही कृष्ण बलराम मंदिर जो आप घर बैठे बैठे देखते हैं। विद्या लंकर वाणी का प्रयत्न डेली दर्शन भारत का मंदिर है जी, भारत का अंदर। हाँ, भारत भूमि में सबसे बड़ा और सबसे पहला जो ईश्वर मंदिर है वो क्या है? वो कृष्ण बलराम मंदिर है। हाँ, सिर्फ कृष्ण बलराम जी नहीं है, वहाँ पे है स्वामी महाराज जी का भजन कुटी, स्वामी महाराज जी का बुक लाइब्रेरी, स्वामी महाराज जी का समाधि मंदिर और है राधा श्याम सुंदर और पति पवन देव जी और है बहुत सारा भक्त का साथ 24 कीर्तन बाय अनिल प्रभु। ब्रज में आएंगे तो जरूर आना है। कहाँ? घर में बैठे बैठे रोज देखते हैं कृष्ण बलराम जी का दर्शन। ओ कृष्ण बलराम मंदिर क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है गौरी मठ की तरफ। अभी हम दिखाएंगे कृष्ण बलराम मंदिर नहीं, कृष्ण बलराम ट्री। बहुत ही बने रही है, देखते रहिए। लाइव अभी 48 कम हो गया। नेक्स्ट जगह दे दी, नेक्स्ट ये बाल का दिखाई दे रही हूँ, मैं जाऊँ रहता की बहन, नेक्स्ट जगह दे।
नीचे भी ले ले, इनका प्रेजर भी ले ले। मथुरा का समय अनुसार होने वाला है भागवत सप्ताह। अगर भागवत सप्ताह
रास्ता देखने का लिए अभी आज जा रही है, मोबाइल में डाल दीजिए रिमाइंडर में। श्री मार्ग चल रहे, श्री मार्ग चल अरे भैया दोनों हाथ।
I'm
लौट के लेना चाहिए। अरे वो बस्ता एक टैक्टर करो उधर उधर से दे दो पीछे से। प्रभु जी ये जो है ना ऑरेंज वाला, हां ऑरेंज वाला एक एक करके सबको देना। अरे मेरा भी हाथ उठाओ, इसमें मेरा भी हाथ उठाइए पीछे से। वो मनुष्य नहीं है ना, ये वो आप ठोकरा है उसके बाद है अल्लाह पकड़ रहा है। बोल कुर्सी रखा दे रहे जी, ये आपको मिला देखो एक एक करते हिसाब कर। गोर यार ये
জমি আপনার করতে নাস্তা করতে खाने के बाद में दो कीर्तन करना है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अरे परम सम्मान ने बर्बर कर दिया, गड़बड़ ने बर्गर कर दिया। बाकी है ओ देंगे, दिखाओ वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांट लो, बांट लो, बांट लो जा। दीदी मैं जरूरत नहीं तो मांगू कम है, मैं हार नहीं सकती, मैं दे दे तू, मैं दे दे तू, मैं पीछे बात कर दे, हां दे दो सबको, थोड़ा दे सबको दे दे। गोपी भाई कीर्तन करना है, भाई नहीं चलेगा, कीर्तन करना नहीं है, आज गड़बड़ हो गया हमारा, हमारा आधा घंटा बात करता था साथ से में, करेंगे सर आधा घंटा बात किया था, कोई उठना नहीं, तो उठाओ मत, कोई उठाओ मत, जो करेगा ब्लॉक देंगे, जो करेगा ब्लॉक देंगे, जो करेगा ब्लॉक देंगे, जो करेगा ब्लॉक। अरे सबके दुश्मन जाएगा, सब फोड़ कर अलग से बात भजन की दक्षिणा होता है। आजा आजा, आप फैन इधर आओ, कीर्तन करो, इधर आप इधर आओ, ए कीर्तन नहीं क्या, इधर आओ, गड़बड़ हो जाएगा फिर। मिल गया लगा।
पनीर है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना? कट्ठा लेके जाएंगे। एकादशी का शानदार प्रसाद हमने पाया है, अगर एकादशी का शानदार कीर्तन सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। विवेक प्रभु जी, आप घर में बैठे बैठे अगर प्रसाद पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुआ नंबर पे आपका मैसेज कर दीजिए। एड्रेस हम भरेंगे मथुरा में केशव जी गौरी मठ की तरफ से आपका घर में शानदार प्रसाद। जल जल डेढ़ किलो आटा अपने खेल खा ले क्या करेंगे बड़ो बैग देव कि ये सब मुरारी का है। बंदर रास्ता बिहारी लाल की एकादशी सिद्धि की गोपाल की जय जय वृंदावन परिक्रमा का आखिरी पारा, बने रहिए देखते रहिए विद्या लंकर बाणी। बहुत अच्छा से शानदार से प्रभु जी ने वैष्णव सेवा किया एकादशी में। अगर आप वैष्णव सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुआ नंबर पे संपर्क कीजिए और कीजिए वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा में ही तो आपको भक्ति मिलेगा। मैं निर्जला हूँ, जल प्रसाद पा लिया, तो प्रसाद पाया जल थे ना निर्जला। बहुत ही बढ़िया वैष्णव सेवा किया है ना प्रभु जी। अगर आप लोग वैष्णव सेवा कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे। वैष्णव सेवा में ही आपको मिलेगा भक्ति लता भी। जी मुझे पता है प्रभु पक्का निर्जला है आज। निर्जला एक जल तो हमने शानदार एकादशी का प्रसाद जल खाबो ना, जल पिए नहीं ना, जल पियाबो ना, जल खाबो पियाबो ना, पानी पियाबो पियाबो। एक ड्रोन लेके आना पड़ेगा ना, फिर है तो है तो है तो ड्रोन से करेंगे।
नरसिंह पल्ली का कम से कम 7-8 छूट है मेरे पास, 7-8 छूट है सब बस में आया थे महाराज। जी भीड़ हमसे वापस आया है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में और भारतीय समय के अनुसार अभी घड़ी में बजाए 8:51 और आगे बट रहे चाय। नहीं, चाय नहीं पीना चाहिए, आज एकादशी है, कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, पिए मीठी सा प्यारी सा गो माता का दूध। चाहे चाय बट रहे लेकिन चाय पीना नहीं चाहिए, पीना चाहिए दूध। और वो दूध कहाँ पे मिलेगा पता है ना, दुर्वासा ऋणी गो, दुर्वासा ऋषि गौरी आश्रम गौरी मठ जो की है ईशापुर में। अगर गौ सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमारा सब संपर्क कीजिए और आइए कीजिए गौ सेवा। कहाँ गया विवेक बाबू, कहाँ गया? हमारे पास एक नहीं बहुत सारा कलाकार है, दरीलाल प्रभु भी है, हरि प्रभु भी है, और भी है हमारे गोपी प्रभु जो कि दिल्ली से है। नहीं, आज भी सुनाएंगे और सुनाएंगे आप लोगों को रोज 12 से लेकर 18 नवंबर दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6:30 तक वाग्बाद कथा जरूर सुनते रहिए, देखते रहिए कलंकर वाणी लाइव ऑन। मेरा भाई तो छोटा भी नहीं चेक था, मेरा भाई है उसका फटा मेरा हृदय में आज आ गया। बट रहे केला, अगर केला खाना तो अरे केला लेके जी। हमारे साथ प्रभु जी भी आ गया है दिल्ली से और प्रभु जी आगे भी रहेंगे और प्रभु जी बहुत अच्छा अच्छा एकादशी का कहानी भी सुनाएंगे। थोड़ा मेहनत करके दूर से भक्त भक्त आया प्रभु जी, थोड़ा परिक्रमा कर लेते हैं और आप लोग देखते रहिए विद्यालंकार वाणी। अभी रहेंगे ना? जी प्रभु जी दिल्ली से आया है क्यों? भागवत कथा सुनने के लिए। और अगर आप लोग भी सुनना चाहते हो तो देखते रहिए 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2020 दोपहर 3 बजे भारतीय समय के अनुसार विद्यालंकार वाणी का लाइव। जिसका प्रदीप में प्रेम है वो बिजी है थोड़े से घर में अपने काम कर रही है। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा माधव प्रभु हमारा साथ है और साथ है हमारा परम आराध्य गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत माधव ड्रोन का लिया ना, गाड़ी चाहिए
जौन तो है कलकत्ता रखा गाड़ी कौन कोई भी नहीं तो कहाँ से चलाएंगे बच्चे कोई भी गाड़ी चाहिए एक छोटा बच्चा टोटो कर लेना ना टोटो में नहीं ऊपर ऊपर खुला होना क्योंकि उसका सिर्फ ये रेडियस देखना पड़ता है ना मेरे को रेडियस क्या करना है देखना पड़ता है कि कौन सा लेंस में आ रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि स्क्रीन में जो आता है ना वो आता है उसको देखने के लिए अगर प्रॉब्लम हो तो मैं उसको कट करा दी क्योंकि वहाँ से 30 सेकंड बाद स्क्रीन ये गाड़ी चाहिए जी आप लोगों को पता है ना श्री गुरुदेव ने जो राम घाट के ऊपर इतना शानदार सा भजन किया है वो भजन रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी और भजन कौन गा रहा है शंकर महादेवन ने जो कि शानदार बहुत ही बड़ा कलाकार है बॉम्बे में कब रिलीज होगा म्यूजिक एल्बम कब आ रहा है उसका लिए देखने रहिए विद्यालय करवानी कुछ बोलेंगे একদম ভালো লাগছে না আপনার এই ব্যবহার जी एक बहुत ही आकर्षणीय संवाद सुबह सुबह भारतीय का समय अनुसार अभी घड़ी में 9 बजने वाला है और इसी समय हम आपको देख रहे हैं एक सुबह का गुड न्यूज एंड ब्रेकिंग न्यूज क्या है ओ 16 नवंबर गिरिराज गोवर्धन महोत्सव अन्नकूट महोत्सव जहां पे मिलेगा बहुत सारा शानदार शानदार प्रसाद ये महोत्सव कहां पे होगा गिरिधारी गौरी मठ जो कि गोवर्धन बस स्टैंड चौराहा का पास है अगर आप लोग आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आ जाइए और आने का पहले जरूर आपका बैग में रख लीजिएगा मास्क दो कदम दूरी मास्क है जरूरी हाँ अभी 16 तारीख को 16 नवंबर 2020 को होने वाला है अन्नकूट महोत्सव गिरिधारी गौरी मठ गोवर्धन में अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर लीजिए और एक ईमेल लिखिए अपना बॉस को और कर लीजिए छुट्टी अपने फ्लाइट से आ जाए और अगर नहीं आ पा रहा है तो बिल्कुल चिंता नहीं विद्यालंकर वाणी का टीम आपका साथ है 3 अलग अलग भाषाओं में रशियन हिंदी इंग्लिश साथ में है और श्री गुरुदेव ने अभी बताया कि आप लोगों को बताने के लिए कि 16 नवंबर गिरिधारी गौरी मठ में होने वाला है अन्नकूट महोत्सव 2020 और अगर आप लोग इसमें सेवा देना चाहते हैं और गिरिराज गोवर्धन का महिमा गुणगान करना चाहते हैं तो करते रहिए लाइक और कमेंट डोनेशन देने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे संपर्क कीजिए आपका डोनेशन का राशि हम पहुंचा देंगे श्री गिरिराज जी का सेवा में बोलिए गिरिराज महाराज जी का जय देना चाहते हैं तो करते रहिए लाइक एंड कमेंट যখন যাবে তার দুদিন আগে আমরা ভিডিও রিলিজ মানসরোবর দিয়ে দিচ্ছি আমি দুদিন আগে হ্যাঁ একদম গরম গরম রুটি আজকে খেতে পারবো না রুটিটা গেলে ওই জন্য আগে খেতে ও এই দৃশ্যটি আপনারা দেখছেন এই যে প্রভুকে দেখছেন এনার যেমন সুন্দর দর্শন তেমনই মধুর কণ্ঠ সেই কণ্ঠে আপনাদেরকে অবশ্যই শোনাবে কীর্তন কবে কালকে কখন থেকে কখন 12 নভেম্বর 2020 থেকে 18 নভেম্বর 2020 হ্যাঁ তার মাঝখানে 16 নভেম্বর 2020 আপনারা রিমাইন্ডার দিয়ে রাখুন অন্নকূট উৎসব
अभी गुरुदेव बुला बुला के बोला अन्न कुछ सबको बोलता रहो ये है वही निताई प्रभु। ये दोनों का जोड़ी जब जन बन जाता है ना, इसका हाथ का जादू का मृदंग और इनका कंठ का सुमधुर यादों से क्या होता है, हाँ ये दोनों का जोड़ी बन जाएगा। आपका पावर रुकेगा नहीं, चलते रहेगा देता ही ता छोटा 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 कर दिया छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा भक्ति में आ गया। सब आ रहे हैं जी। मिस्टर जीपी चौहान जी ने हम लोगों के लिए भेजा एक शुक्रिया बॉक्स का मिठाई का, हाँ ये मिठाई जीपी चौहान जी हम पहुंचा देंगे आपका मिठाई का डब्बा श्री ठाकुर जी का चरण में। मिठाई का डब्बा दिवाली के लिए, दिवाली का क्या अगर जीपी चौहान जी की तरह अब लोग ठाकुर जी को मिठाई भेजना चाहते हैं घर में बैठे बैठे तो देते रहिए कमेंट। मिठाई का डब्बा भेजा तुम्हारा आने वाला है, बोलो कर ले आज भी चाहिए कल चाहिए कल जी। अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ, वही जगह है जहाँ पे ठाकुर जी नृत्य किया था, कहाँ पे मिट्टी में नहीं या जमुना जी में नहीं, श्री कालिया नाग का फोन का ऊपर और नृत्य किया, इसलिए इस जगह का नाम है कालिया दहन। बताओ कुछ कालिया दहन बताओ, गुरु तो बता दिया बताओ, निताई 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 बता कालिया दहन मुरई मुरई बबू और मुरई बबू कालिया दहन का थोड़ा थोड़ा दो मिनट में बताओगे। हाँ जरूर सुनाएंगे कालिया दहन का कहानी, लेकिन अब भी नहीं सरप्राइज में बने रही है 12 से 18 नवंबर का बीच में जरूर सुनाएंगे भागवत कथा। चलो सब आगे चलो, भगवान को यहाँ पे 149 पता है आपको कैसा लग रहा है प्रभु जी हमारा परिक्रमा कर रहा है। प्रभु जी मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे रोज आना चाहिए यहाँ और रोज परिक्रमा दूं गुरुदेव के साथ, आनंद ही आनंद है। कार्तिक महीने में इतना जोरदार आनंद चल रहा है, वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, आज एकादशी है। जी आप लोगों को बताना चाहूंगा जब मैंने लाइव ऑन करता हूँ सबसे पहले मेरा स्क्रीन में जो नाम दिखाई देता है वो है कमल कृष्ण प्रभु, हाँ यही है कमल कृष्ण प्रभु। आज उनका नाम नहीं दिखा रहे क्योंकि उन्होंने मजा अब स्क्रीन का पीछे से नहीं स्क्रीन के सामने से। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, आप सभी को भी देखना चाहिए। बता दो कमल और मैं आज फल लेके चल रहा हूँ और ये मुझे सेवा श्याम प्रभु जी ने दी है और आज मैं वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक ये सब लोग जाएंगे। मटर ले जाना मटर ले भारतीय समय का सुबह 9:05 में हम पहुंच गया है कहां, राधा मदन मोहन जी मंदिर, हमने दो दिन पहले दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा चैनल में जाइए, हमारा पेज में जाइए, वहां पे बहुत सारा वीडियो है, वहां पे स्पेशल वीडियो बना हुआ है राधा मदन मोहन देव का दर्शन करते हुए, साथ में है सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का सुंदर सा जीवन कहानी।
লেগে যাবে बोलो राधा मोहन मोहन की जय जय कालिया दह की जय राधा मदन मोहन की जय। भारतीय समय का सुबह 9:05 में हम पहुंच गया कहां राधा मदन मोहन मंदिर का पास। राधा मदन मोहन मंदिर का कहानी हम जरूर आपको सुनाएंगे, बहुत ही छोटा सा कहानी हम सुनाएंगे और अधिक रूप में जानने के लिए हमारा पेज में दिया हुआ वीडियो है राधा मदन मोहन देव और सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का जीवन कहानी। अभी महाराज जी थोड़ा संक्षिप्त में जरूर सुनाएंगे सनातन गोस्वामी ही पार्टन भजन साधन ऑन द बैंक ऑफ जमुना एंड ही एवरीडे यूज टू गो परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा आफ्टर गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा टेक द माधुकरी फ्रॉम मथुरा एंड मथुरा ही वॉज स्टेइंग इन द हाउस ऑफ वन ब्रिजवासी हु वर्शिप दिस मदन मोहन एंड then Thakur ji also came with him in this place and not, and he worshipped Thakur ji in this place for this regard he called it Sanatan Goswami